हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर नवाब। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्पीशीज़ के बारे में जो कि सॉल्ट वाटर की स्पीशीज़ है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, मैं कौन से स्पीशीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हाल ही में साइंटिस्ट ने पहली बार डिकोड कर लिया है एक जीनोम सिक्वेंस एक ऐसे स्पीशीज़ का जो बहुत ही सॉल्ट टॉलरेंट है और सॉल्ट सिक्रीट करती है, मैंग्रोव की स्पीशीज़ जिसका नाम है एविसिनिया मरीना। जो ये जो स्टडी है वो की गई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर के द्वारा। सो गाइज, अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो बहुत ही प्रोमिनेंट मैंग्रोव की स्पीशीज़ है जो इंडिया के अंदर पाई गई है। ये जो स्पीशीज़ है ये सॉल्ट सिक्रीट करती है और ये ग्रो करती है 75% सी वाटर के अंदर और टॉलरेट करती है अप्रॉक्सीमेट 250% ऑफ सी वाटर। हम जानते हैं कि जो मैनग्रूव्स हैं वो सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो करती है और 250% ऑफ सी वाटर को टॉलरेट करना अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ये रेयर प्लांट स्पीसीज़ हैं जो एक्सक्रीट कर सकती है 40% सॉल्ट अपने सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू और ये पाई जाती है उनके लीव्स के अंदर। इनको और कई नामों से भी जाना जाता है जिनमें फेमस है ग्रे मैनग्रूव्स और वाइट मैनग्रूव्स। सो अब हम समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, आखिर ये स्टडी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्लोबली अफेक्ट होती है कुछ अबायोटिक फैक्टर्स के कारण, जिनमें लिमिटेड वाटर की अवेलेबिलिटी और सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर शामिल है। सो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा से एक चैलेंज रहा है क्रॉप प्रोडक्शन में, खासकर ड्राई लैंड एरिया में, यानी जो जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और हमें पता है जो ड्राईलैंड है वो अप्रोक्सीमेट 40% वर्ल्ड के टोटल एरिया में फैला हुआ है और जो सैलिनिटी है वो प्रेवेलेंट है 900 मिलियन हेक्टेयर्स ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में। सो गाइस, ये जो जीनोमिक रिसोर्स है इसकी स्टडीज जो है रिसर्चर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसकी वजह से रिसर्चर्स को न्यू वे मिलेगा जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक ऐसी स्पीशीज़ को डेवलप कर सकते हैं, खासकर उन इम्पॉर्टेंट क्रॉप की स्पीशीज़ को जो कि ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी हो। क्योंकि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 7500 मीटर का कोस्ट लाइन है और दो मेजर आइलैंड ग्रुप भी हैं जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। और इसकी स्टडी से हमें फ्यूचर में होने वाली फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को टैकल करने में मदद मिल सकती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना